गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ट्रेड विंग लाहौर के चेयरमैन बाबर महमूद बड़े मुख्तसर वक्त में मियाँ मोहम्मद नवाशी से इजहार यकजहती के लिए हार रोड में अपने ऑफिस में हंगामी इजलास बुलाया, जिसमें सरपरस्ती आला पंजाब ट्रेड विंग अंजम महमूद भट्ट, सदर पंजाब मोहम्मद अली मियाँ, जनरल सेक्रेटरी पंजाब जुबैर अंसारी, सीनियर नायब सदर पंजाब ख्वाजा खावर रशीद, शाहिद नज़ीर, मलिक अमानत, सुहेल भट्ट, चौधरी आमिर सदीक, मियाँ उस्मान, हाजी नवाज़ पप्पू, वकार हुसैन, फयाज चौधरी, बऊ मोहम्मद बशीर, सरफराज मंज, यूनस बेग, हाजी मुनीर अहमद, मलिक आमिर, आमिर सुहेल, हाजी नईम खान, जावेद भट्टी, इशफाक भट्ट, बाबर इस्माइल भट्ट, अतीको रहमान, शौकत भट्ट, आगा जुल्फकार, मियाँ सईद रशीद, मलिक नदीम, रजा भट्ट, हमीदुज़मान गोशी, मियाँ रियाज, हाजी इशफाक, हाजी अरशद गोगा, उमर जावेद भट्ट, दाऊद भट्ट के अलावा लाहौर भर की तमाम ताजर तंजीमों के अहदेदारों ने शिरकत की और उन्होंने बहुत कम वक्त में पूरे लाहौर की ताजर बरादरी को इकट्ठा करने पर बाबर महमूद को उसकी काविश को सराहा। इजलास का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। इजलास में खिताब करते हुए अंजम महमूद भट्ट, मोहम्मद अली मियाँ, जुबैर अंसारी, शाहिद नज़ीर, सुहेल भट्ट, मियाँ उस्मान, वकार हुसैन, बऊ बशीर और बाबर महमूद ने खिताब करते हुए कहा कि ये हंगामी इजलास मियाँ मोहम्मद नवाशी से इज़हार यकजहती के लिए बुलाया गया और लाहौर के ताजर कल भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ थे और आज भी उनके साथ हैं और पाकिस्तान में उनकी खिदमात को सराहते हुए 2018 का इलेक्शन भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क्यादत में भारी अक्सरियत से जीतेगी। इजलास में एक करारदाद पास की गई जिसमें कहा गया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सादिक़ो अमीन हैं। इजलास के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए रीगल चौक में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। आखिर में निज़ाम से गुफ्तगू करते हुए ताजरों ने कहा, यहाँ मुस्लिम लीग ट्रेड विंग और इसके अलावा दूसरी तंजीमें, ताजर तंजीमें, उनके सदर, उनके जनरल सेक्रेटरी, हर मार्केट के जनरल सेक्रेटरी और सदर ने यहाँ शिरकत की है और मियाँ नवाशी के साथ इजहार यकजहती किया है और मियाँ नवाशी के खिलाफ ये जो फैसला हुआ है इस फैसले पे अपनी बेचैनी का इजहार किया है और ये आज अहद किया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो पिछले 4 सालों में बेमिसाल प्रोजेक्ट शुरू किए, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लगाया, चाहे वो सीपैक का मंसूबे हो, चाहे वो बिजली के मंसूबे हो, काची का अमन अमान हो या लॉ ऑर्डर का मसला हो, मैं समझता हूँ कि इसको देखते हुए तमाम पाकिस्तान की ताजर बरादरी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ है। ताजरों का अजलास था रोड पर माशाल्लाह यूनियन के दफ्तर में, तो भरपूर शिरकत की लाहौर की ताजर बरादरी ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पे ये तय हुआ है कि इंशाल्लाह ताला जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब का ऐलान होगा कि वह लाहौर किस रूट से आएंगे, तो हमारी ख्वाहिश है कि मियाँ साहब जीटी रोड से आएँ और हमारे मार रोड से गुजरें तो हम अपना हक अदा करें, जो हमारी ख्वाहिश है कि उनका फूलों की पत्तियों से और जिस तरह भी हो सके बंगरों से उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ वो वाहद लीडर है जिसने एटमी धमाके किए, जिसने मोटरवे बनाई, जिसने सी पैक के मनसूबे किए, बिजली के इतने जो मसाइल थे उन्हें दूर करने की कोशिश जारी भी और कर भी रहे हैं, साथ और इन ट्रेन ने माशाल्लाह पंजाब के वज़ीर आला वज़ीर आज़म के जितने मंसूबे हैं ना, मैं समझते इतना 70 सालों में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हमारे लिए बड़ा मुश्किल दिन है ताजर बरादरी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून ताजरों की सियासी जमात है, ये हमारी जमात है और हमने इसमें लॉन्ग मार्च से लेकर, मुझे आज भी याद है कि लॉन्ग मार्च में जब हम गाड़ी के छत पे बैठ के जा रहे थे मियाँ नवाज शरीफ की गाड़ी से आगे, तो मेरे साथ ख्वाजा सलमान रफ़ी और अल्लाह ताला जो फिरदौस में जगह दे शेख सिकंदर साहब, वहाब रियाज़ के वाला साहब, हम लोग गाड़ी की छत पे बैठे हुए थे और शदीद तरीन ख़तरा था, लोग हमें कहते थे कि आज बम फूट जाएगा, कल बम फूट जाएगा और आप लॉन्ग मार्च में ना जाएँ, लेकिन हम लॉन्ग मार्च में सारे फहरिस्त थे, मियाँ साहब गाड़ी के आगे आगे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही तमाम ट्रेडर्स आज फिर खड़े हैं। लेकिन हमारे कायदीन ने हमें सख्ती से मना किया है कि हमने कोई इंतशार वाली बात नहीं करनी है, हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे कोई खुदा ना खास्ता कारोबार ज़िंदगी ख़राब हो। आज क्योंकि मेरा तलक भी ट्रेड विंग पंजाब से है, आज बाबर महमूद साहब ने यहाँ पे बुलाया हुआ था सबको और अंजुम महमूद भट्ट साहब भी आए हुए थे और इसमें तमाम मार्केटों के सदूर सेक्रेटरी भी आए हुए हैं पूरे लाहौर से मार्केटों से, उन्होंने तमाम ने अपने प्राइम मिनिस्टर जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ उनके साथ यकजहती का वुद किया है और एक गम गुस्से का इजहार भी किया है कि कितने जुल्म की बात है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इस तरह डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया और किस बात पे किया गया, एक एकामे की बेस पे। ताजर बरादरी हमेशा मियां नवाज शरीफ के साथ रही है और इन मुश्किल हालात में भी हमेशा उनके साथ रहेगी। हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे,
हैं और हमेशा रहेंगे। हमने कल अपनी लोहा मार्केट मिश्री शाह जो बरियाज़म एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है उसको उसी वक्त फैसला आने के बाद मुकम्मल तौर पे कारोबारी सरगर्मियाँ जो मुअत्तल कर दी थी और मार्केट को बंद करवा दिया था। उसका मकसद एहतजाज करना नहीं बल्कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ अजहार हमदर्दी करना और अजहार यकजहती करना था। ताजर बरदरी मियाँ नवाज शरीफ के साथ पहले भी थी और अभी हम नवाज शरीफ के कदम पे कदम हम उनके साथ हैं और चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेंगे। तमाम ताजर बरदरी मियाँ नवाज शरीफ के नाल है और हमजा साहब और शहबाज शरीफ के नाल है। उन्होंने एक काडर आएगा तो मेरा ख्याल लाहौर पूरा जरा ना वो ब्लाक हो जाएगा बल्कि मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तानी ब्लाक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन उन्होंने कायदीन का हुक्म है कि कोई किसी का नुकसान नहीं करना, कोई तोड़ भान नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। तो असी कायदीन के पिछे हाँ, जो कायदीन का हुक्म होएगा असं उसे इंप्लीमेंट करांगे। आज का ये मुजाहरा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इदारे यकजहती के लिए ताजरों ने मुनक्कद किया है। हम कल भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ थे, उसकी सलाहियतों को, उसकी कारकर्दगी को, उसके माशी हालात ठीक करने और एनर्जी बहरान दूर करने और सी पैक जैसे मंसूबों को हम सलाम करते हैं। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है हम मजबूरन शायद उसको तस्लीम करें, इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कायदे ने वो किया है। लेकिन हमारे दिलों से मियाँ नवाज शरीफ को कोई नहीं निकाल सकता। अब मियाँ देखें, मियाँ का कसूर किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने बम धमाके किए एडमी, यह कसूर है उसका, उसका सी पैक किया, यह कसूर है उसका, उसका क्या कसूर है कि मसाके जमहूरियत की है, यह कसूर उसका। अब क्या किया है सी पैक को लेके है पाकिस्तान को, ये कुछ उसका कसूर है। अब देख लेंगे ना। मखालफीन को मैं बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह 2018 में उससे बढ़ कर मियाँ साहब कामयाब होंगे। हम कल भी उनके साथ थे, अब भी इंशाल्लाह उनके साथ हमेशा रहेंगे।